18 महीने बाद शुक्र और सूर्य बनाएंगे शुक्रादित्य राजयोग। इन राशियों की चमकेगी किस्मत सोने की तरह। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाऊं तो घट जाता है दाम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, साथ ही उन्हें पिता और आत्मा का कारक ग्रह भी माना गया है। वहीं शुक्र देव को धन, वैभव और सुख संपदा का कारक ग्रह कहा गया है। बता दें कि जब भी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या एक दूसरे के साथ युति करते हैं तो शुभ और अशुभ राजयोग बनता है। इन राजयोगों का प्रभाव मानव जीवन से लेकर देश दुनिया की सभी चीजों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 13 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र देव भी 24 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी 24 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य और शुक्र ग्रह की युति होगी। दोनों ग्रहों की युति से शुक्रादित्य राजयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 24 अप्रैल के बाद कुछ राशियों की किस्मत अपने आप चमक सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही धन दौलत में जमकर वृद्धि होगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य और शुक्र की युति से बने शुक्रादित्य राजयोग से किन किन राशियों की किस्मत बदलने वाली है, साथ ही इन लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की भी मिल सकती है जिससे कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है, साथ ही इन लोगों की धन दौलत में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं ये भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं। नंबर 1, मेष राशि। आप लोगों के लिए शुक्रादित्य राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है, इसलिए इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं इस दौरान आपको करियर और कारोबार में शानदार सफलता मिल सकती है। आपके धन में वृद्धि होगी और आपके लिए नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। वहीं इस दौरान शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा, साथ ही इस समय आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। नंबर 2, सिंह राशि। शुक्रादित्य राजयोग बनने से सिंह राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से नवम भाव पर बनने जा रहा है, इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा। इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। इस समय आपको किस्मत का साथ मिल सकता है, साथ ही धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, साथ ही आपके मन में सकारात्मक विचार बढ़ेंगे। वहीं इस समय आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वहीं इस समय आप किसी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस दौरान आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, साथ ही जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी मुराद पूरी हो सकती है। वहीं इस समय आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही इस दौरान आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, साथ ही इस समय आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं जो शुभ रहेंगी। वहीं इस समय प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिल सकती है। नंबर 3, तुला राशि। आप लोगों के लिए शुक्रादित्य राजयोग लाभकारी साबित हो सकता है क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से सप्तम भाव पर बनने जा रहा है, इसलिए इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में अगर कोई अनबन चल रही थी तो वह खत्म हो जाएगी। वहीं जो लोग अविवाहित हैं उनको रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है, साथ ही इस दौरान आपको पार्टनरशिप के व्यापार में अच्छा लाभ होगा। वहीं बेरोजगार लोगों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, इसलिए साथ ही आपका आपके परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा और आपके जीवन में तरक्की के द्वार खुलेंगे। वहीं इस समय अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है,
साथ ही पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ होगा और आपको अचानक से रुका हुआ पैसा मिलने से आपकी कई योजनाएं पूर्ण होंगी। वहीं इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नंबर 4, धनु राशि। सूर्य और शुक्र की युति धनु राशि के जातकों को अनुकूल सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ये युति आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस समय आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में ढेरों अवसर प्राप्त होंगे और प्रभावशाली लोगों के साथ आपकी अच्छी जान पहचान बढ़ेगी। वहीं जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है, उन लोगों को सक्षम भी होंगे, नौकरी कारोबार में तरक्की करेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, सभी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। नंबर 5, वृश्चिक राशि। आय में वृद्धि के योग बनेंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होंगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, धन आगमन के नए मार्ग बनेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, करियर में तरक्की करेंगे। शुभ समय शुरू होने वाला है, इस समय आपको किस्मत का साथ मिल सकता है, साथ ही धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। वहीं इस दौरान आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, साथ ही जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी मुराद पूरी हो सकती है। वहीं इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही इस दौरान आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नंबर 6, मकर राशि। मकर राशि के जातकों को इस दौरान माता पिता का सहयोग मिलेगा, धन लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लंबे समय से रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे, कार्यों की बाधाएं दूर होंगी, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, आपसी रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। इस समय आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, साथ ही इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में ढेरों अवसर प्राप्त होंगे और प्रभावशाली लोगों के साथ आपकी अच्छी जान पहचान बढ़ेगी। वहीं जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है, उन लोगों को सफलता मिल सकती है। वहीं इस दौरान आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में अच्छा इजाफा होगा और हर तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम भी होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।